Hello students, so welcome back. Today we are going to do the classification of the kingdom fungi. कल हमने फंजाई के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम किस टाइप का दिखता है इस पे डिपेंड करते हुए मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पे, फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्मेशन पे फंजाई की चार क्लासेस होती हैं. ठीक है, माइसीलियम होता है फर्स्ट थिंग, देन उसके स्पोर्स कैसे बनते हैं, देन उसकी फ्रूटिंग बॉडीज कैसे बनती हैं. ये चार क्लासेस में फंजाई को डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसीडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. ठीक है, नाउ सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज सबसे पुरानी वाली माइसिटीज मानी जाती है, सबसे प्रिमिटिव वाली फंजाई मानी जाती है, एंड इसको हम लोअर फंजाई भी बोलते हैं. मतलब कि हर एक क्लास का, हर एक क्लास के मेंबर्स का एक्चुअली एक निक नेम है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ फंजाई दे आर. ठीक है, दे अकर इन एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड in moist and damp places or as obligate parasites on plants. इसका क्या मतलब है कि ये तो एक खराब लकड़ी के ऊपर ग्रो हो जाती है या गीली और डैम्प प्लेसेस पे ग्रो हो जाती है, बेसिकली मॉइस्ट प्लेसेस पे, या फिर प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं. इनका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट होता है, या डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी सेप्टा नहीं है. सीनोसिटिक है, मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है. इसकी एग्जाम्पल है म्यूकर बेसिकली राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. मस्टर्ड के ऊपर जो फंजाई पैरासिटिक है उसको बोलते हैं एल्ब्यूगो. सी, दिस इज द म्यूकर. This is rhizopus, and as rhizopus grows on the bread, it looks like this. Albugo mustard seeds को infect, mustard leaves को basically mustard plant को parasite कर देती है, infect कर देती है. And this is the microstructure of albugo. Now ये जो phycomycetes हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करती हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करती हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मोटाइल ज़ूस्पोर्स और नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स. उसके जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं, बेसिकली मोटाइल रिप्रोडक्शन इज विद द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर्स एंड नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स. देखो, पूछा जा सकता है आपको कि ए प्लानोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. वो स्पोरेंजिया, एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वी नो दैट वी हैव टू गैमेट्स, वन मेल एंड वन फीमेल. टू गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ज़ाइगोस्पोर्स एंड दीज गैमेट्स मे बी सिमिलर और डिसिमिलर. ठीक है, नाउ एस्कोमाइसिटीज. इट मे बी यूनिसेल्यूलर बिकॉज यीस्ट इज इंक्लूडेड. यीस्ट का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज सैक्रोमाइसीज, और मल्टी सेलुलर. एस्कोमाइसिटीज जो है उसके मेंबर्स, they can be unicellular as well as multicellular. Unicellular की example है yeast and multicellular की example penicillium. इनका जो mycelium है opposite to the phycomycetes, this is septate and branched. ठीक है, वहां पे क्या था, aseptate and cenocytic था, यहाँ पे septate and branched.
Now, this type of fungi also is a saprophytic, helping decomposing of substances, parasitic on various plants and animals, and corpophilous, growing on dung. मतलब जो डंग के काउ डंग के ऊपर ग्रो करती है फंजाई दैट इज फ्रॉम द क्लास एस्कोमाइसिटीज. एस्कोमाइसिटीज में यूनिसेलुलर फंजाई इंक्लूडेड है, मतलब यीस्ट का ग्रुप है जो दैट इज एस्कोमाइसिटीज. देखो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, एज यू नो कि यूनिसेलुलर सिर्फ एक ही फंजाई है दैट इज यीस्ट, है ना. और यीस्ट किस क्लास में आती है? एस्कोमाइसिटीज. अब अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि टू विच क्लास डज द यीस्ट बिलोंग और आपको ऑप्शंस दिए जाएं, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आई से इट दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज एक ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना फंजाई में, तो वो उसकी क्लास आपको याद रखनी पड़ेगी. नाउ एस्कोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एक्सोजीनस स्पोर्स, जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया. एंड कोनिडिया के बारे में हमने तीसरी बार हम पढ़ रहे हैं. कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, दे आर फॉर्मड इन चेन ऑन द स्ट्रक्चर्स नोन एज कोनिडियोफोर्स. कोनिडिया को जब भी प्रॉपर सब्सट्रेट मिलता है तो वहां पे जर्मिनेट करके माइसीलियम फॉर्म कर लेती है. By ascospores produce endogenously the sexual reproduction in ascomycetes occurs. Ascomycetes mein ascospores present hain. Okay? Ascospores ka ascii. Jo ascocarp pe basically usko ascii bolte hain. Uska singular jo form hai that is the ascus. Ascii are arranged to form ascocarps, the fruiting bodies. Okay? So, asexual reproduction conidia ki help se ho rahi hai. Sexual reproduction ho rahi hai ascospores ki help se. Ascomycetes ki examples hain. Aspergillus, Claviceps, Neurospora. These are used in biochemical and genetic works and ye jo teenu basically the member of this class, the fungal members of this class basically are also useful as antibiotics. And some are edible and are called delicacies. Morels and truffles are edible and are delicacies. They can be used in edible things. Truffles. Ye truffles hote hain. Can you see this? This is used in many. Hamare India mein kam use karte hain isko. But in foreign countries, isko bahut sare फूड मटेरियल्स बनाने के लिए, फूड सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज किया जाता है. नाउ बेसिडियोमाइसिटीज. बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्लब लाइक फंजाई. इसमें पफ बॉल्स भी आ गई हैं सारी. पफ मतलब पफी फंजाई बेसिकली. ब्रैकेट फंजाई, दिस थर्ड डायग्राम इज द एग्जांपल ऑफ ब्रैकेट फंजाई. एज यू कैन सी दैट इनका बहुत ही ज्यादा वाइड एंड ब्यूटीफुल सा लीफी सा स्ट्रक्चर है. देन दिस इज मशरूम्स. मशरूम्स तो सबने देखे ही हुए हैं. दे ग्रो इन सॉइल ऑन द वुडन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स एंड इन साइड द लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स. आपने स्मट ऑफ राइस
like smut of rice and rust of wheat. These are the fungal members that they call that cause basically diseases. Okay. Now, इनके पास में जो hypha होते हैं they are septate. Means they are having septa between their nucleuses. And इनका जो mycelium होता है that is already branched. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. इनमें asexual spores नहीं होते हैं, but they can reproduce vegetatively by fragmentation. Sex organs are absent, but plasmogamy occurs by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. ठीक है? Sex organ इनमें absent होते हैं, but plasmogamy fusion of टू डिफरेंट सेल्स की दो डिफरेंट सेल्स जब फ्यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी एंड वो दोनों सेल्स जो होते हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स के होते हैं मतलब उनका जीनोटाइप जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है तो इससे क्या बन जाता है डायकैरियोटिक बेसीडियम बन जाता है उनका जो बेसीडियम होता है इट कंसिस्ट ऑफ द टू न्यूक्लियसेस ओके Karyogamy and meiosis occur in basidium producing four basidiospores exogenously. Karyogamy हो जाती है मतलब fusion of the two nucleases and उसके बाद meiosis हो जाती है और उसके बाद basidium के अंदर basidiospores बन जाते हैं. Basidia भी जो होते हैं basidia क्या होते हैं जिसमें basidiospores form होते हैं इनको fruiting bodies called basidiocarps. Basidia are further arranged in some typical patterns and usko kya bola jata hai basidiocarps. For example, agaricus. Agaricus is the scientific name of mushroom. Astilago means the smut of rice and pakshinia means rust fungus, rust of wheat. ठीक है अब देखो पक्षीनिया भी नाम इंपॉर्टेंट है स्मट का नाम याद रखना भी इंपॉर्टेंट है एगेरिकस का नाम याद रखना भी इंपॉर्टेंट है आपने बचपन में बेसिकली एट क्लास से अब हम पढ़ रहे हैं फंगल डिसीजेस प्रोटोजोअन डिसीजेस वायरल डिसीजेस है ना तो वैसे ही है कि ये फंगल डिसीजेस है ना जो रस्ट एंड स्मट दीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दीज कॉज इन्फेक्शन इन प्लांट्स तो इसका साइंटिफिक नेम याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपको दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रस्ट ऑफ वीट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्मट ऑफ राइस ओके नाउ Let us come to our last class, that is deuteromycetes. Deuteromycetes is known as fungi imperfecti because of their asexual or vegetative phases are known. मतलब कि उनमें sexual reproduction के बारे में हमें पता ही नहीं है. When perfect stages were discovered, they were often moved to ascomycetes or basidiomycetes. It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name placing under deuteromycetes and sexual stage named under another class. क्योंकि sexual के basis पे हम उसी fungi को किसी और class में shift कर देते थे ठीक है क्योंकि उनमें कोई special type of sexual reproduction नहीं होती थी sexual reproduction के base पे हमने पहले ही तीनों classes को divide किया हुआ है इसलिए Deuteromycetes ऐसी फंजाई है जिनमें ओनली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पता
When the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. Okay, यही बात बताइए कि जब इनके sexual reproduction के बारे में पता चल गया तो फिर उन्हीं उसी मतलब की type की fungi को हमने किसी और class में move कर दिया. Deuteromycetes हमें पता है only sexual spores से reproduce करते हैं like conidia. इनका माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांचलेट देखो लोअर फंजाई है जिसका माइसीलियम ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक है वो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज है द लोअर फंजाई. ओके माइसीलियम ऑफ एवरी अदर क्लास इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड सम आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स मेजॉरिटी आर डीकम्पोजर्स ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेरिया Clectotrichum and Trichoderma. ये इनके examples हैं. Trichoderma, I think so आपको याद रखना चाहिए. This is the diagram of Trichoderma, and it is very easy name to remember. Now, kingdom Plantae and kingdom Animalia. ये तो हमें पता है, but इसके बारे में detail में हम करने वाले हैं. In the next chapter, but let us first read about the general characteristics of kingdom Plantae and kingdom Animalia. Okay. Plants are eukaryotic, chlorophyll-containing organisms with cellulosic cell wall. Some are partial heterotrophs such as insectivorous plants or parasites. सभी plants का सिर्फ एक feature है. आपको eukaryotic autotrophs या phototrophs. Eukaryotic phototrophs having cellulosic cell wall. इनमें क्लोरोफिल होता है, इनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये फोटोट्रॉपिज्म परफॉर्म कर सकते हैं. Some types of plants are partial heterotrophs and insectivorous. And some are fully parasites such as cascata. Now, Plantae की आगे divisions कौन कौन से हैं? That is algae, bryophytes, stereophytes, gymnosperms and angiosperms. इनका जो sequence है, इनकी evolution का भी वही sequence है. First of all algae, then was the bryophytes, then was the pteridophytes, then was the gymnosperms and at last the angiosperms were evolved. ठीक है, primitive features भी वैसे ही है. एल्गी मोस्ट प्रिमिटिव, ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से एडवांस होने शुरू हो गए, टेरिडोफाइट्स द मोर एडवांस्ड, जिम्नोस्पर्म्स उससे भी ज्यादा एडवांस, एंड देन फाइनली एंजियोस्पर्म्स आर द वेरी ब्यूटीफुल प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. ओके एल्गी, एल्गी वर द फर्स्ट प्लांट्स टू बी नोन टू बी इवोल्यूटेड, नोन टू बी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. Bryophytes को हम amphibians of the plant kingdom बोलते हैं, ये आपको याद रखना है. Bryophytes are the amphibians. Pteridophytes को हम snakes of the plant kingdom बोलते हैं, या we can say the reptiles of the plant kingdom. Pteridophytes के दो नेम है, either only the snake or the full reptilia kingdom. ठीक है, then comes the gymnosperms and then comes the angiosperms. अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू फेजेस, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक. इनके दो फेजेस हैं. देखो दीज फेजेस ऑल्टरनेट विद ईच अदर, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन. एंजियोस्पर्म्स में तो सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज द
गैमेटोफाइट दैट इज द मेल गैमेटोफाइट दैट इज द पोलन ग्रेन. सिर्फ पोलन ग्रेन के टाइम ही वहां पे गैमेटोफिटिक स्टेज शो होती है एंजियोस्पर्म्स में एंड जिम्नोस्पर्म्स में भी. ओनली द पोलन स्टेज इज द मेल गैमेटोफिटिक स्टेज. बाकी जो पहले वाली थ्री डिविजन है ना लाइक एल्गी हो गई ब्रायोफाइट्स हो गई टेरिडोफाइट्स हो गई इसमें जो मेल मतलब गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक स्टेजेस आर अल्टरनेटिंग. कि स्पोरोफिटिक स्टेज भी हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल का पार्ट है एंड गैमेटोफिटिक भी हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल का पार्ट है. बस ये चीज आपको याद रखनी है स्पोरोफिटिक की हैप्लॉइडी होती है दैट इज सॉरी स्पोरोफिटिक की प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड एंड गैमेटोफाइट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. ओके सो नाउ किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया में हम ये पढ़ते हैं एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल. सेल वॉल जिसमें एब्सेंट है और यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है दे आर द एनिमल्स. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स. या तो डायरेक्टली हम प्लांट्स खाते हैं या फिर इनडायरेक्टली मतलब प्लांट्स खाने वाले को खाते हैं इसलिए वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट. हमारे पास एक फूड स्टोर करने के लिए कैविटी होती है उसमें हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं. देखो प्लांट्स है प्लांट्स को काट दोगे वो ग्रो कर जाएगा. प्लांट्स को नहीं भी काटोगे तो भी वो ग्रो करता रहेगा. लीव्स उसके हर सीजन में ग्रो करते हैं. हाइट भी उसकी लंबी होती रहती है. रूट्स की भी हाइट उसकी लंबी होती रहती है. प्लांट्स हैव एन इनडेफिनेट ग्रोथ बट इन ऑपोजिट टू दैट जो एनिमल्स का होता है दे हैव definite growth pattern and grow into adults that have definite shape and size. ठीक है हर एक एनिमल की अपनी एक शेप एंड साइज होती है एंड जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सुनता भी है वो सेंस भी करते हैं एंड वो यू नो रिस्पॉन्ड भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. Most of the animals are capable of moving, capable of locomotion, move करने के लायक हैं. Sexual reproduction is by copulation, कि plants में male and female जो है वो copulate करते हैं and then उनकी embryological development होती है. Now, viruses, prions and lichens. ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ते हैं. देखो किसी भी किंगडम में वायरस वायरॉइड्स प्रियॉन्स एंड मतलब कि इनको नहीं लिया जाता. क्यों? क्योंकि ये नॉट ट्रूली लिविंग है. वायरस का तो हमें पता ही है कि यूनिक है. ठीक है वो जब बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है जब बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग है. वैसे ही वायरॉइड्स है प्रियॉन्स है These are infectious particles. इसकी definition क्या है ये हम देखते हैं. Viruses have an inert crystalline structure outside the living cell. वो crystal form में present होता है जब वो cell के बाहर होता है मतलब वो non-living होता है. Viruses are obligate parasite. वो parasitism किए बिना जी ही नहीं सकते. जब भी वो किसी living चीज के अंदर जाते तो उसको नुकसान पहुंचाते हैं parasitize करते ही करते हैं. जब भी वो किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो खुद उसकी मशीनरी ले लेते हैं एंड सेल को मार देते हैं. लुईस पाश्चर ने वायरसेस को नाम दिया था ऑन द बेसिस ऑफ विनोम और पॉइजनस फ्लूइड क्योंकि उसने सोचा कि जो वायरसेस हैं दे आर पॉइजनस फ्लूइड्स. इवानोस्काय ने वायरसेस को डिस्कवर किया था. उसने मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको पे सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था. दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स जो फिल्टर्स बैक्टीरिया को रोक देते थे उसको वो वायरसेस को नहीं रोक पाते थे. पेजर रिंक ने
डेमोस्ट्रेट किया था कि अगर टोबैको के प्लांट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए तो वो हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। एंड उसको उस फ्लूइड को क्या बोला था, कंटेजियम वाइवम फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कि जिसमें वायरस है वो वायरल फ्लूइड किसी भी हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस को हम आउट ऑफ द बॉडी क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ये चीज भी प्रूव्ड है। नाउ वायरस के अंदर होता क्या है, बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, मतलब एक प्रोटीन कोट होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है इधर आरएनए और डीएनए, और उसके बाहर उसके पास एक प्रोटीन कवरिंग होती है। वायरस के पास बोथ आरएनए या डीएनए नहीं हो सकते, एंड आरएनए या डीएनए ही चीज है जो क्या करती है, इन्फेक्ट करती है हमारे अंदर जाके वायरसेस में। नाउ वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उनके पास, बट उनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। बैक्टीरियोफेजेस के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेजेस कौन होते हैं, वो वाले वायरसेस जो बैक्टीरियास को इन्फेक्ट करते हैं। वायरसेस उनका जो प्रोटीन कोड है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर्स, बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स को मिलके बनता है कैप्सोमियर, जो उनको बाहर से प्रोटेक्ट करता है, जो बेसिकली द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द वायरसेस होता है। कैप्सोमियर्स को हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में अरेंज किया किया जाता है, मतलब कि किया होता है इन्होंने अपनी मॉर्फोलॉजी में। वायरसेस बहुत ही ज्यादा इंफेक्शियस डिसीजेस कॉज करते हैं, दीज आर इमेज्ड एज बिलो, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। नाउ वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं, देखो वायरसेस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कवरिंग होती है, बट जो वायरॉइड्स होता है वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके पास कोई प्रोटीन कोट्स नहीं होता है। ये भी इंफेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ये भी डिसीज कॉज कर देते हैं पोटैटो में, मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये डेनियर ने डिस्कवर किए थे, एंड दे आर नोन टू कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज में क्या हो जाता है ये आप खुद ही देख सकते हो, नॉर्मल पोटैटो से कितना ज्यादा डिफरेंट है। नाउ प्रियॉन्स, वायरसेस में प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल था, वायरॉइड्स में ओनली जेनेटिक मटेरियल, एंड प्रियॉन्स आर द इंफेक्शियस प्रोटीन, इंफेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स बेसिकली। इनका साइज तो सिमिलर टू वायरसेस होता है, बट ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, इंफेक्शियस इंफेक्शन कॉज कर देते हैं, एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज कर देते हैं, लाइक मैड काउ डिसीज एंड जैकॉब डिसीज। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें आदमी अजीब तरीके से बिहेव करता है। नाउ लाइकेंस, लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एक पार्टनर होता है उसका फाइकोबायोंट द एल्गल पार्टनर, एंड एक पार्टनर होता है उसका माइकोबायोंट दैट इज द फंगल पार्टनर। जो फाइकोबायोंट होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, एंड माइकोबायोंट इज द हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। एल्गी जो होती है वो फूड प्रिपेयर करती है फॉर फंजाई, एंड फंजाई क्या करती है, फर्दर शेल्टर प्रोवाइड करती है एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है फॉर इट्स पार्टनर द एल्गल पार्टनर। ठीक है, इन दिस वे लाइकेंस में अगर हम किसी भी पार्टनर को अलग कर देते हैं, एल्गल और द फंगल पार्टनर अगर अलग कर देते हैं तो वो मर जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। एंड लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, वो सिर्फ उस एनवायरमेंट में ग्रो करते हैं जहां पे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। सो इन केस टू नो दैट अगर कोई प्लेस पॉल्यूटेड है या नहीं पॉल्यूटेड है, लाइकेंस इज अ वेरी गुड मेथड टू नो अबाउट दिस। जहां पे लाइकेंस ग्रो किए हुए हैं दैट दैट एरिया इज बेसिकली नॉन पॉल्यूटेड।